students, today we are going to study about computer standard 4th lesson 2 parts of computer. तो देखो जो हम parts of computer मालूम है उसमें कौन से parts आते हैं? Monitor, mouse, keyboard, CPU, speakers and reader. तो देखो बच्चों हमने अगले वीडियो में मैंने आपको कंप्यूटर के फंक्शंस बताए थे. कंप्यूटर के फंक्शन कौन से थे? समझे, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. वो तो मैंने आपको लेसन वन में एक्सप्लेन किया ही है. तो अभी इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट में कौन से पार्ट्स आएंगे? तो इनपुट डिवाइस में कौन से पार्ट्स आएंगे? कीबोर्ड, माउस. प्रोसेसिंग में कौन से पार्ट्स आएंगे? सीपीयू, एक ही पार्ट आएगा. और आउटपुट में कौन से पार्ट्स आएंगे? मॉनिटर और प्रिंटर. तो मैं आपको आज यहाँ पे इनपुट डिवाइस एक्सप्लेन करूंगी. तो इनपुट डिवाइस में कौन से पार्ट्स है? दो पार्ट्स, कीबोर्ड और माउस. तो यहाँ पे हम देखो बच्चों, ये है कीबोर्ड. द कीबोर्ड एंड द माउस आर यूज टू एंटर डेटा इन द कंप्यूटर एंड सो दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. यानी कि हम कीबोर्ड से जो मॉनिटर में डेटा एंटर करेंगे उसको हम क्या कहेंगे? इनपुट. और इनपुट डिवाइस में कौन से दो पार्ट्स आएंगे? कीबोर्ड एंड माउस. कीबोर्ड, द कीबोर्ड इज अ फ्लैट रेक्टेंगल प्लास्टिक बोर्ड विथ मेनी बटन्स ऑन इट. यानी कि कीबोर्ड है, कौन सा शेप दिख रहा है आपको? रेक्टेंगल साइज का, राइट, रेक्टेंगल शेप जैसा है और एकदम फ्लैट है. आप देख सकते हो फ्लैट है. और मेनी कीज ऑन इट, यानी कि ये बटन से इसको हम क्या कहेंगे? कीज कहेंगे. दे आर मोर देन 100 की ऑन द कीबोर्ड. देखो बच्चा, आप देख ही रहे कितनी कीज है, इतने बहुत सारी कीज है. तो इसकी सबकी कीज की अलग अलग यूजेस है. फर्स्ट लेटर कीज. तो लेटर कीज किसको कहेंगे हम? ए टू जेड. इसकी हेल्प लेके हम वर्ड, स्पेलिंग्स या सेंटेंस हम टाइप कर सकते हैं. नेक्स्ट नंबर कीज. तो देखो बच्चों, कीबोर्ड में नंबर कीज यहां पर है और यहां पर है. तो हमें नंबर टाइप करना है तो हमें यहां से भी यूज कर सकते हैं. मैथमेटिकल साइंस, यानी कि मैथमेटिकल साइंस तो वो तो आपको पता ही है कौन से आएगी. प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन. तो यहां से हम यूज कर सकते हैं. पंचुशन मार, यानी कि देखो बच्चों, ये सभी साइंस है. पंचुशन मार, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क, डबल कोमा, ये सभी यहाँ पे पंचुशन मार्क यहाँ से यूज कर सकते हैं. सम अदर साइंस, यानी कि यहाँ पे साइंस दी गई है, आप देख सकते हो. तो यहाँ पे एट द रेट की साइन है, हैश की साइन है, परसेंटेज की साइन है, एंड की साइन है. जो भी हमें साइन यूज करनी है हम यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. डेटा एंटर विद द हेल्प ऑफ द कीबोर्ड कैन बी सी ऑन द मॉनिटर. हम जो भी डेटा एंटर करेंगे वो हम किसमें शो करेंगे? मॉनिटर पर. व्हेन यू प्रेस अ लेटर कीज और नंबर कीज ऑन द कीबोर्ड. आप जब भी लेटर कीज या नंबर कीज प्रेस करेंगे तो वो मॉनिटर्स में आप शो कर सकते हैं. द कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू द सीपीयू बॉक्स विथ अ केबल. देखो बच्चों, एक कीबोर्ड का जो केबल होता है वो सीपीयू के बॉक्स साथ कनेक्टेड होता है, तो ही ये कीबोर्ड ऑपरेट होगा. यानी कि हम ऑपरेट हो गई तो ही हम इसको चला पाएंगे, वरना चला नहीं पाएंगे. नेक्स्ट माउस. द माउस इज अ स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस विथ टू और थ्री बटन्स ऑन इट. वो तो हम सबको मालूम ही है, ये है माउस. तो माउस हैज टू और थ्री बटन्स. तो देखो बच्चों, यहाँ पे वन, टू और थ्री, तो इसको हम क्या कहेंगे? लेफ्ट बटन, राइट बटन, और इसको बीच वाला बटन है उसको हम क्या कहेंगे? स्क्रॉल. द माउस इज यूज टू पॉइंट टू अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सो इट ऑल्सो नो एज द पॉइंटिंग डिवाइस. यानी कि देखो बच्चों, ये व्हाइट कलर का एरो आपको दिख रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? माउस पॉइंटर. तो हम इसे, उसको माउस पॉइंटर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो माउस के थ्रू चलाते हैं. माउस को हम अप करेंगे तो एरो अप होगा, डाउन करेंगे तो डाउन होगा, लेफ्ट राइट. और ये माउस पॉइंटर है,
ये माउस पॉइंट हम एग्जैक्टली हमें प्लेस पर दिखाता है कि हम मॉनिटर पर कहाँ पे है, और वो पॉइंट करता है कि हम यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। और देखो बच्चों, माउस है और हमें पॉइंट करता है कि यहाँ पे हम इस प्रोग्राम पर है, और हमें यहाँ पे ये प्रोग्राम हमें ओपन करना है। तो हम पहले माउस को यहाँ पे ले जाएंगे, उसको पॉइंट करेंगे, फिर हम उसको ओपन करेंगे। और माउस देखो बच्चों, माउस में हम वन क्लिक करेंगे ना, ऐसे वन क्लिक करेंगे ना, ऐसा वॉल्यूम आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लिकिंग। और डबल क्लिक करेंगे जो हम वन टू, तो इसको हम क्या कहेंगे, डबल क्लिक। और देखो बच्चों, हम माउस के क्लिक ऐसे करके प्रेस कर प्रेस कंटिन्यू करके ऐसे मूव करते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ड्रैगिंग। देखो बच्चों, इसको माउस हमें माउस पैड के ऊपर रखते हैं, इसलिए रखते हैं क्योंकि हम माउस को आसानी से मूव कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने आपको इनपुट डिवाइस में दो पार्ट एक्सप्लेन किए हैं, कीबोर्ड और माउस। तो मैं आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। थैंक यू।